स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास में आपणे यूटीएफ टाइप नंबर 1 नो आर्ग्युमेंट नो रिटर्न वेल्यू स्टडी करेलू। आजे आपणे शीखवानुं छे नो आर्ग्युमेंट विथ रिटर्न वेल्यू। टाइप नंबर 2 स्टडी करता पहेला तमे इंट्रोडक्शन टू यूडीएफ विडियो चेकआउट न करेलो होय तो पहेला तमे एकवार एने जोई लेजो, एटले तमे टाइप नंबर 2 इजीली समझाई जशे। बिकॉज तमने खबर होवी जोईए आर्ग्युमेंट एटले शुं छे अने रिटर्न वेल्यू एटले शुं छे। तो हवे हूँ तमने प्रेक्टिकली कोड परफॉर्म करीने एक्सप्लेन करूँ छूँ। अहीं टाइप नंबर 2 नो आर्ग्युमेंट विथ रिटर्न वेल्यू हेडिंग आपणे ऑलरेडी आपी दईए छीए। फर्स्ट ऑफ ऑल बंने फाइल इन्क्लूड करवानी छे। बधा कोडमां आपणे फाइल इन्क्लूड करीए छीए। हेडर फाइलनों शूँ यूज छे आ मैं तमने प्रीवियस विडियो में एक्सप्लेन करेलू छे, एनी लिंक हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपी दऊं छूँ, तमे चेकआउट करी शको छो। तो stdio.h अने conio.h स्टैंडर्ड इनपुट कॉन्सोल इनपुट आउटपुट यूटीएफ ना क्रिएट करवाना 3 स्टेप छे। तमने लोकोने ख्याल छे मैं फर्स्ट यूडीएफ ना विडियो में एक्सप्लेन करेलू छे। स्टेप नंबर 1 फंक्शन ने डिक्लेर करवानू, फंक्शन ने डिफाइन करवानू, डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन डिक्लेरेशन हमेशा आपणे मेननी बहार करीए छीए। ओके, हवे आ नो आर्ग्युमेंट छे विथ रिटर्न वेल्यू। स्टूडेंट्स, विथ रिटर्न वेल्यू मतलब फंक्शन तमने काई वेल्यू रिटर्न करे छे, तो तमारे फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न टाइप मेन्शन करवो पड़े। जो तमने फंक्शननी सिंटेक्स याद होय तो सौथी पहेला शुं छे रिटर्न टाइप। फंक्शन जे टाइपनी वेल्यू तमने रिटर्न करे छे एनो टाइप तमारे मेन्शन करवानो छे। जो फंक्शन काई इंटीजर रिटर्न करतू होय तो आगळ तमारे रिटर्न टाइप इंटीजर आपवानुं छे। आ एक्ઝામ્પલમાં ફંક્શન છે ઈ ફ્લોટ રિઝલ્ટ છે એ રિટર્ન કરે છે, તો અહીંયા રિટર્ન ટાઈપ શું છે? ફ્લોટ। રિટર્ન ટાઈપ કોઈ પણ વેલિડ ડેટા ટાઈપ હોઈ શકે, તમે અહીંયા સિન્ટેક્સમાં જોઈ શકો છો। ઓકે, પછી ફંક્શનનું નામ અને પછી ફંક્શનની આર્ગ્યુમેન્ટ। તો ટાઈપ નંબર 2માં કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં આવે। શું છે? નો આર્ગ્યુમેન્ટ। તો ફંક્શનના બ્રેકેટમાં કોઈ પણ આર્ગ્યુમેન્ટ એટલે કે પેરામીટર મેન્શન કરવાના નથી, બટ વિથ રિટર્ન વેલ્યુ। વિથ રિટર્ન વેલ્યુ મતલબ તમારે એનો રિટર્ન ટાઈપ સ્પેસિફાઈ કરવો પડશે। જેમ કે અહીંયા ફ્લોટ લખેલો છે, આ કોઈ પણ ડેટા ટાઈપ આપણે લખી શકીએ। આજના એક્ઝામ્પલમાં હું ઇન્ટીજર રિટર્ન ટાઈપ રાખું છું, ઇન્ટીજર અને ફંક્શનનું નેમ। ફંક્શનનું નેમ તમે કાંઈ પણ આપી શકો છો, હું ફંક્શન નેમ આપું છું એડ, અને ફંક્શન છે એ નો આર્ગ્યુમેન્ટ છે, તો અહીંયા હું કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ નથી લખતી, એન્ડ સેમિકોલન। This is step number 1, declaration of a function. Function declare પછી હું void main લખું છું, main method કે જેની અંદર હું ફંક્શનને કોલ કરીશ। અહીંયા મારે મેઇનનું કોડિંગ કરવાનું છે, અને આઉટ ઓફ ધ મેઇન મારે ફંક્શનને બોડી પ્રોવાઈડ કરવાની છે। વી વિલ પ્રોવાઈડ બોડી ઓફ ધ ફંક્શન, બોડી ઓફ UDF આઉટસાઇડ ધ મેઇન। ઇન્ટીજર, રિટર્ન ટાઈપ, ફંક્શન નેમ, ફંક્શન બ્રેકેટ, અહીંયા હું કોડ કરું છું। ઓકે, તો મને એડિશન પરફોર્મ કરવું છે। એડિશન પરફોર્મ કરી અને જે રિઝલ્ટ હશે એ મારે રિટર્ન કરાવવાનું છે। રિઝલ્ટ હશે એ કોઈ ઇન્ટીજર નંબર હોવો જોઈએ, તો મને એડિશન કરવાનું છે। તો પહેલાં તો મને 2 વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવા પડશે। આઈ એમ ડિક્લેરિંગ 2 વેરિયેબલ એ એન્ડ બી। પ્રીવિયસ આઉટપુટને ક્લિયર કરવા માટે CLRSER ઇનબિલ્ટ ફંક્શનનો યુઝ કરું છું। હવે મને એ અને બીની વેલ્યુ યુઝર પાસે એન્ટર કરાવી છે, તો પહેલાં તો આપણે યુઝરને મેસેજ આપવો પડશે। યુઝર પાસે વેલ્યુ એન્ટર કરાવવા માટે મેસેજ માટે આપણે printf, આઉટપુટમાં કાંઈ પણ પ્રિન્ટ કરાવવું છે તો એના માટે printf ફંક્શન છે। એન્ટર વેલ્યુઝ ઓફ એ એન્ડ બી, બંનેની વેલ્યુ આપણે સાથે એન્ટર કરાવી છે, તો એક જ સ્કેનએફમાં બંને વેરિયેબલની વેલ્યુ સ્કેન થઈ શકે છે। જેટલા વેરિયેબલની વેલ્યુ સ્કેન કરાવી હોય એનું એક્સેસ સ્પેસિફાયર તમારે મેન્શન કરવું પડશે। બંને વેરિયેબલ ઇન્ટીજર છે,
तो टू टाइम तमने परसेंटेज डी लखवानू रहेशे। आफ्टर दैट डबल कोटेशन पछी यू पुट अ कोमा कोमा अने एड्रेस ऑफ ए कोमा एड्रेस ऑफ बी। तो आवी रीतना तमे एक स्कैनएफ में बे वेल्यू स्कैन करावी शको। तमे अलग अलग स्कैनएफ लखी अने सिंगल पण ए नी वेल्यू बी नी वेल्यू एवी रीतना पण स्कैन करावी शको छो। तो अहींया मैं बे वेल्यू स्कैन करावी दीधी छे। हवे मने बन्ने ने एड करवी छे तो एडिशन एनु रिजल्ट मारे स्टोर करवू पड़से। रिजल्ट स्टोर करावा माटे हूँ एक बीजो वेरिएबल डिक्लेर करू छू आंसर ए एन एस। कोईपण वेरिएबल ने यूज करता पहला एने डिक्लेर करवू पड़े। तो हूँ अहीं लखू छू ए एन एस इक्वल टू ए प्लस बी। ए अने बी नू एडिशन थासे अने ए आंसर में स्टोर थई जासे। हवे आंसर ने मारे रिटर्न करवो छे मेन मेथड में। आंसर हसे ए कोई इंटीजर नंबर ज हसे अने फंक्शन नू रिटर्न टाइप शू छे इंटीजर। तो अहीं हूँ शू लखू छू रिटर्न ए एन एस। तो आंसर शू छे ए प्लस बी नो टोटल आंसर में छे। आंसर ने तमे रिटर्न करो छो आ क्या रिटर्न थासे ज्यां तमे फंक्शन ने कॉल करशो त्यां रिटर्न थासे। ओके हवे मने अहीं शू करवानुं छे हूँ एक वेरिएबल डिक्लेर करू छू इंटीजर सी। अहीं सी इक्वल टू एड। एड फंक्शन तमने कोई वेल्यू रिटर्न करशे। जे वेल्यू रिटर्न थासे ए सी में स्टोर थासे। अने हवे मने आंसर ने मने बन्नेना एडिशन ने प्रिंट करावू छे। काई पण प्रिंट करावा माटे तमने ख्याल छे प्रिंटफ फंक्शनों यूज थासे। तो अहीं मने रिजल्ट प्रिंट करावू छे। हूँ लखू छू प्रिंटफ रिजल्ट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू परसेंटेज डी। परसेंटेज डी नी जगह पर मने आंसर प्रिंट करावो छे। मने रिजल्ट प्रिंट करावो छे। रिजल्ट हूँ स्टोर करावु छू सी मा। तो अहीं हूँ लखू छू सी एट दी एंड ऑफ द कोड। कोड ना एंड मा गेट सी एच टू गेट अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर राइट। तो अहीं आपणो स्टेप वन टू थ्री बधा स्टेप परफॉर्म थई गया छे।